ठाकुर जी के विविध आयोजन होते हैं, महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, महिलाएं भी विविध रूपों में ठाकुर जी के उत्सव करती हैं विविध रूपों में। ये लखावली गांव की महिलाएं हैं और खूब आनंद ठाट से ठाकुर जी को हर पूर्णिमा के अवसर पर एक मंदिर में जाकर रिझाती हैं, तुलसी जी को चुंदड़ी ओढ़ाती हैं और खूब आनंद ठाट से भजन कीर्तन भी करती हैं। आनंद ही आनंद हमारी संस्कृति में है, हर दिन यहाँ पर आनंद ही आनंद है, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें आनंद नहीं आए, खूब आनंद ही आनंद हो रहा है ठाकुर जी का। बताएं क्या विशेष रूप से मनोरथ करते हैं और क्या कहना है आपको, बताओ। इतनी बस ठाकुर जी को जो भी चढ़ावा करना है वो करते हैं। हाँ। और सब सखियाँ मिलके ठाकुर जी को जाती है। हाँ। भजन कीर्तन करते हैं। हाँ। और बस ठाकुर जी के मजा लेते हैं। हाँ। बताओ क्या विशेष रूप से उत्सव करते हैं और क्या चुनरी वगैरह उड़ाते हैं, बताओ। हाँ, बस ये पूर्णिमा के दिन महिलाएं मिलके एक मंदिर में जाते हैं, सब अलग अलग। हाँ, सारे महीनों की जो है चुनर नारियल ठाकुर जी रवाए मंदिर खोला है। हाँ, हाँ बताओ क्या क्या करते हैं। अच्छा अच्छा और द्वारिका धीश की जय। यूं तो आपने कई महोत्सव देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं आम महोत्सव। आम मनोरथ होता है श्रीनाथ जी के मंदिर में और विविध रूपों में ठाकुर जी को आम का भोग धराया जाता है और खूब आनंद ठाट से ये मनोरथ होता है श्रीनाथ जी में। स्नान यात्रा के दौरान ये ठाकुर जी को श्रीनाथ जी मंदिर में 1,25,000 आम का भोग धराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर जी के आम का भोग धराया जाता है और जिधर देखो उधर आम ही आम ठाकुर जी के दिखते हैं। क्या है इस मनोरथ की विशेषता और क्या महत्व है, क्या कह रहे हैं वैष्णवजन, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। Oh, oh, God!